दोस्तों, शेर और शेरनियों को अक्सर जंगल में दूसरे जानवरों का शिकार करते हुए देखा जाता है। अगर ये किसी जानवर को अपना शिकंजे में ले ले तो कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाता है। लेकिन इस बार एक जेबरा ने यह हिम्मत दिखा दी और शेरनी को सबक भी सिखाकर वहां से चल भी दिया। दोस्तों, दरअसल यह वीडियो है जेबरा और एक शेरनी का। इसमें आप देख सकते हैं कि शेरनी शिकार के लिए एक जेबरा को पकड़ लेती है मगर उसका शिकार नहीं कर पाती है। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक शेरनी टहलते हुए आती है और एक जेबरा को दबोच लेती है। दोस्तों, वो अपने ठिकाने पर उसे लेकर जा ही रही होती है कि जेबरा के दोस्त की नजर उस पर पड़ जाती है। दोस्तों, वो शेरनी के सामने आ जाती है और उसे भिड़ जाती है। दोस्तों, उसने अपने दोस्त को तो छुड़ाया ही और साथ ही शेरनी को दुलाती भी मारकर भाग गई। दोस्तों, दोस्ती की मिसाल आपने इंसानों में खूब देखी होगी, लेकिन जानवरों के बीच इस तरह का नजारा शायद पहली बार ही आपने देखा होगा। दोस्तों, जेबरा बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और जब हम इन्हें देखते हैं तो हम सब यही सोचते हैं कि ये कितने सुंदर जानवर है, लेकिन इनके बारे बहुत ही कमाल की बात है। दोस्तों, जेबरा करीबन 2.5 मीटर लंबे होते हैं और इनका वजन लगभग 350 किलो तक हो सकता है। दोस्तों, जेबरा का विकास पिछले 40 लाख साल पहले हुआ था और जेबरा काले होते हैं जिन पर सफेद पट्टियां होती है। दोस्तों, अगर एक जेबरा पर किसी का हमला हो जाए तो उसका पूरा परिवार उसे बचाने के लिए तुरंत वहां आ जाता है। दोस्तों, शुतुरमुर्ग और जेबरा अक्सर साथ में रहते हैं और एक दूसरे की सुरक्षा भी करते हैं। दोस्तों, जेबरा शांत भाव के होते लेकिन कभी कभी कुछ जेबरा इंसानों पर भी हमला कर देते हैं। दोस्तों, जेबरा बहुत ही कमाल के जानवर होते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि एक जेबरा अपने बच्चों को 2 से 3 दिन तक बाकी सारे जेबरा से दूर रखती है ताकि उसका बच्चा उसे अच्छी तरह से पहचान सके। और शेर जैसे जानवर से बचने के लिए जेबरा अक्सर झुंड में ही रहते हैं। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जेबरा खड़े खड़े ही सो सकते हैं क्योंकि इन्हें लेटकर सोने की आदत नहीं होती है। दोस्तों, ये जानवर अपने कान को हर दिशा में भी मोड़ पाते हैं और ये अक्सर अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।